Hey friends, welcome back to my channel Sense Friend. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के प्लान्स के बारे में। ये रिसेंटली मुझे लीफलेट मिला है, ये तो इसमें सारे प्लान्स की डिटेल्स दी हुई हैं। और साथ में इसके मैं आपको बताऊंगा एयरटेल सेट टॉप बॉक्स का रिव्यू, और साथ में जो एयरटेल फाइबर कनेक्शन के साथ जो राउटर मिलता है ZTE Huawei का, उसका रिव्यू। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि इसमें मेंशन है, मोर देन वन रीजन टू चूज एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, वाईफाई प्लान स्टार्टिंग एट जस्ट 40 MBPS स्पीड। तो वाईफाई प्लान जो इसमें है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में, तो ये प्लान स्टार्ट होता है 499 रुपये से, 40 MBPS की स्पीड मिलती है और इक्वल अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड रहती है अप टू 1 GBPS तक। फ्री इंस्टॉलेशन मिल जाएगा इसमें आपको विद एडवांस रेंटल प्लान्स, अनलिमिटेड लोकल स्टीडी कॉल्स प्लस स्टीडी कॉल्स, 10 से ज़्यादा OTT एप्स मिल जाते हैं फॉर अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट, और इसमें आप वाईफाई कॉलिंग, फ्री बेटर वाईफाई कॉलिंग यूज़ कर सकते हैं मोबाइल कवरेज में। तो थोड़ी प्लान की डिटेल्स नीचे दी हुई है, वो हम देख लेते हैं। जितने भी प्लान्स ये हैं, अनलिमिटेड डेटा और वॉइस अनलिमिटेड है इसमें। तो फर्स्ट प्लान है 3999 का, वाईफाई स्पीड है इसमें 1 GBPS, और इसमें आपको नेटफ्लिक्स प्रीमियम मिल जाएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, Amazon प्राइम और एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम बेनिफिट्स मिल जाएंगे इसमें आपको, OTT एप्स मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट प्लान है 1498 रुपये का, 300 MBPS की स्पीड है, नेटफ्लिक्स इसमें आपको प्रीमियम मिल जाएगा, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, Amazon प्राइम रहेगा और एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम के OTT सब्सक्रिप्शंस भी मिल जाएंगे आपको। अगला प्लान है 999 रुपये का, 200 MBPS की स्पीड है इसमें, इसमें नेटफ्लिक्स आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार, Amazon प्राइम और एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। अगला प्लान है 799 रुपये का, 100 MBPS की स्पीड रहेगी इसमें, और सिर्फ आपको इसमें एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और लास्ट प्लान है 499 रुपये का, सबसे बेसिक प्लान, 40 MBPS की स्पीड रहेगी और एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा इसमें आपको। तो अब हम रिव्यू कर लेते हैं एयरटेल सेट टॉप बॉक्स का, साथ मिलेगा आपको। तो ये है एयरटेल का DTH सेट टॉप बॉक्स, रिकॉर्डिंग फीचर है, नो डिश एंटेना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंटेना की। इस तरीके का दिखता है एयरटेल DTH सेट टॉप बॉक्स, प्रीमियम क्वालिटी में है ये विद रिमोट कंट्रोल। तो इसमें HD 1080i रेजोल्यूशन वीडियो क्वालिटी है, डॉल्बी प्लस 5.5.1 सराउंड साउंड है, 650+ HSD एंड HD चैनल्स इसमें आप देख सकते हैं, यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है फॉर TV एंड सेट टॉप बॉक्स, पॉज रिकॉर्ड एंड प्ले लाइव TV, तो सबसे बेस्ट फीचर ये है, कनेक्ट USB एंड वॉच एवरीथिंग ऑन TV, तो आप इसमें USB भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप इसमें देखना चाहते हैं USB में है वो आप TV में देख सकते हैं सेट टॉप बॉक्स के थ्रू। ब्रिंग होम द थिएटर विद HD पिक्चर क्वालिटी 1080i रेजोल्यूशन आइकन, क्विक डिलीवरी एंड हैसल फ्री इंस्टॉलेशन है इसमें। तो कनेक्टर टाइप इसमें है HDMI, आइटम वेट है 10 kg, टोटल USB पोर्ट एक मिलेगा इसमें आपको, टोटल HDMI पोर्ट है एक, कंपैटिबल डिवाइसेस हैं TV, माउंटिंग हार्डवेयर में आपको मिल जाएगा HD सेट टॉप बॉक्स और यूनिवर्सल रिमोट, सैटेलाइट सर्विस डिस्क्रिप्शन है, डिश नेटवर्क। तो एयरटेल HD ओनली सेट टॉप बॉक्स, इसमें थिएटर लाइक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा घर पे, और वो भी HD प्रीमियम क्वालिटी वीडियो के साथ, 1080i रेजोल्यूशन एंड डॉल्बी डिजिटल प्लस 5.1 सराउंड साउंड। इसमें आप लाइव TV पॉज रिकॉर्ड प्ले कर सकते हैं, कि इससे आप कोई भी लाइव चीज़ें आप मिस नहीं करेंगे। तो इसको आप अलग से अगर खरीदना चाहते हैं तो इसका प्राइस है 859 रुपीज़। तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, अगर आपको परचेज करना है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको रिव्यू देता हूँ एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के साथ जो राउटर मिलता है उसका देता हूँ। तो राउटर ब्रांड है ये ZTE का। तो पहले इसमें नोकिया ब्रांड आता था, एयरटेल टेक्नीशियन से पूछा जो यहाँ पे कनेक्शन लगाने आए थे, उन्होंने बताया जिस टाइम में जो भी ब्रांड का राउटर आ रहा होता है वही वो यूज़ करते हैं। तो अब राउटर उनके पास था तो उन्होंने वही यूज़ किया, उससे पहले उन्होंने बताया नोकिया लगाते थे वो पहले, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अभी आप कुछ लाइट्स ऑन देख रहे होंगे, ग्रीन कलर की लाइट्स, पहली लाइट ऑन है, यहाँ पे लिखा है पावर, अगर आप पावर ऑन ऑफ करते हैं तो ये सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी। और नेक्स्ट है PON, तो PON का मतलब है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अभी आप ये देख रहे होंगे लाइट फ्लैश नहीं हो रही, कॉन्स्टेंटली ऑन है लाइट, तो इसका मतलब फाइबर कनेक्शन है अभी, अगर ये फ्लैश हो रही होगी इसका मतलब फाइबर का कनेक्शन सही नहीं आ रहा। नेक्स्ट है LOS, यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे LOS, LOS का मतलब है लॉस ऑफ सिग्नल, तो ये लाइट जलनी नहीं चाहिए, अगर जल रही है तो सिग्नल नहीं आ रहा मतलब। नेक्स्ट है इंटरनेट का, इसकी लाइट फ्लैश होती रहती है, ऑन कॉन्स्टेंटली ऑन रहती है, कभी कभी फ्लैश होती है, तो इसका मतलब इंटरनेट ऑन है। और LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, अगर आप LAN यूज़ करते हैं, इसके साथ एक वायर भी मिलती है इस राउटर के साथ, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे,
चार लैन पोर्ट्स दे रखे हैं, तो अगर आप लैन पे ये एक वायर कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर किसी भी डिवाइस में अटैच करते हैं तो यहाँ पे लैन की लाइट ऑन हो जाएगी। इससे ये बेनिफिट है कि आप विदाउट वाईफाई को टर्न ऑन किए आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फ़ोन, तो इस प्लान में कॉलिंग आपको अनलिमिटेड मिलती है, तो इसमें फ़ोन की फैसिलिटी है इसलिए लाइट ऑन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ़ोन का एक पोर्ट बना हुआ है, काफ़ी साल पहले एयरटेल साथ में फ़ोन भी प्रोवाइड करते थे लेकिन अभी वो नहीं करते लैंडलाइन फ़ोन, तो अभी आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा लैंडलाइन फ़ोन। तो आप साथ में वायर भी होगा तो उसमें आप यहाँ पोर्ट पे वायर कनेक्ट करके फ़ोन से कनेक्ट करके कॉलिंग कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड कॉलिंग होती है। और ये नेक्स्ट है वाईफाई, ये हमेशा ऑन रहता है, ये ऑन नहीं है तो मतलब वाईफाई काम नहीं कर रहा। उसके बाद है WPS, तो WPS यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो WPS का मतलब होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया लेकिन हाँ इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। WPS होता है जैसे कि आप अगर अपना फ़ोन या लैपटॉप या PC कोई भी डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट करते हैं वाईफाई ऑन करके, WPS की मदद से आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो आपको वाईफाई सेटिंग में जाके WPS बटन होता है उसको इनेबल कर देंगे या उसको ऑन कर देंगे, तो आपको कोई पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस को। और नेक्स्ट है USB, यहाँ पे USB पोर्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं अभी। तो USB पोर्ट का बेनिफिट ये होता है, अगर आपके वाईफाई राउटर में USB पोर्ट है तो उसका बेनिफिट ये है, अगर आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें अटैच करके आप अपने फ़ोन में वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव में जो भी है आप अपने कनेक्टेड डिवाइस में देख सकते हैं उसको, जैसे कि लैपटॉप में देख सकते हैं, PC में देख सकते हैं या फ़ोन में भी देख सकते हैं, सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं उस डिवाइस में। अगर आपको पेन ड्राइव डायरेक्ट लैपटॉप या PC में नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे लगा के यहाँ पे इस पोर्ट में फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव लगा के आप सारी फाइल्स यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में और अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये एक वायर है जो कि कनेक्टेड है, इसका पावर अडैप्टर है, ये इस राउटर का पावर अडैप्टर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ मैं स्विच ऑफ कर दूंगा राउटर ऑफ हो जाएगा, अभी इस बटन को अगर मैं प्रेस कर दूंगा तो वाईफाई राउटर बंद हो जाएगा। और यहाँ पे है रीसेट, तो इसको पिन से प्रेस करना है रीसेट करने के लिए अपने राउटर को, वाईफाई राउटर को। वैसे मुझे अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है इसको रीसेट करने की। तो इस तरीके का दिखता है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का वाईफाई राउटर, उसके साथ में छोटा सा डिवाइस भी है। ये डिवाइस है इस तरीके, जैसे आप ये येलो वायर देख रहे हैं तो इसमें ये फाइबर जो वायर होती है बहुत पतली होती है ग्लास की तरह, तो उसको सेफ रखने के लिए ये डिवाइस यहाँ पे लगा रखा है, तो इससे इसके थ्रू कनेक्टेड है इसलिए लगाया गया है यहाँ पे कि फाइबर वायर टूट ना जाए, यहाँ पे काफ़ी सेफ है। यहाँ पे जाके कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे येलो वायर के थ्रू यहाँ पे वाईफाई राउटर में कनेक्शन आ रहा है फाइबर का। और यहाँ पे इसमें दो एंटेना बना हुआ है जो कि मूवेबल है, इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। ये था ओवरऑल रिव्यू एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर प्लान्स, साथ में एयरटेल सेट टॉप बॉक्स और एयरटेल ZTE हवाई राउटर का रिव्यू। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।